तो देखो भाई, ये ड्रेन है, ड्रेन आप देख सकते हैं, हाईवे की ड्रेन जो होती है, नाली, ठीक है। तो ये वही है और यहाँ पे ड्रेन कंप्लीट हो गया, इसका राफ्ट और बॉल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है स्लैब डलना चालू हो गई, स्लैब यानी कि जो इसका ऊपर का ढक्कन होता है वो जो है बनना चालू हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सरिया भी बन गया है, सरिया यहाँ पे इस तरह से बंधा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सरिया जो है बहुत दूर दूर बंधा हुआ है, इसका स्पेसिंग जो है वो बहुत दूर दूर है, तो इसमें कम सरिया डाला जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो कंक्रीट होता है उसका एक फीचर होता है कि अगर आप उसमें एक परसेंटेज से ज़्यादा, एक फिक्स परसेंटेज से ज़्यादा अगर सरिया डालते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे वन जैसे कि 1.5 से 6% तक अगर आपको सरिया डालना है तो इसके मतलब इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे या कम डालेंगे तो क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट कितना सा है आप देख ही सकते हैं, मुश्किल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 mm की वॉल यहाँ पे है, ठीक है। 75 mm में यहाँ पे पूरा अगर क्वांटिटी वगैरह सब निकालें तो जो स्टील की क्वांटिटी है वो 1 से 6% के बीच में ही मिलती है। तो यहाँ पे सरिया जो है जितना डालना चाहिए उतना ही डाला जा रहा है। अब अगर पास पास में डाल देंगे तो सरिया का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा और क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किया जाता है और ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो कोई भी यहाँ पे घोटाला टाइप से नहीं होता है, कम सरिया नहीं डाला जाता है। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार है। अब ये जो है सटरिंग वटरिंग सब लग गया है और यहाँ पर कंक्रीट के लिए वेट हो रहा है। जैसे ही कंक्रीट आएगा ये फिलअप हो जाएगा और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्लैब तैयार हो जाएगा और फिर यही सटरिंग कुछ दिन बाद खोल के आगे लगाई जाएगी या फिर दूसरी जगह पर जो लगी है वो यहाँ पे शिफ्ट की जाएगी और फिर वो लगाई जाएगी। तो जैसा भी ये कॉन्ट्रैक्टर को सही लगे, क्योंकि ये जो है पेट्री कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि मेन कंपनी से छोटे छोटे कामों को ले लेते हैं, तो इससे कॉन्ट्रैक्टर का काम जल्दी, कॉन्ट्रैक्टर का काम भी हो जाता है और कंपनी का काम जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह से ये सारी चेन चलती है और इसी तरह से ये नालियाँ बनती हैं। हाईवे के भी मैं कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाली के पूरे वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे पूरे वीडियो चेकआउट करिए, देखिए अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रॉपर कवर ब्लॉक का भी उपयोग किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वहाँ भी सारे कवर ब्लॉक भी यूज किए गए हैं, यहाँ पर बॉल में भी कवर ब्लॉक यूज किए गए हैं। तो पर ये प्रॉपर से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे जानकारी के लिए आप वीडियोज को देख सकते हैं मेरे चैनल पर और यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।